बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर इंडस्ट्री की उन कलाकारों में से एक हैं जो अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहती हैं। स्वरा भास्कर ने बकरीद के मौके पर अपने एक बयान से हलचल पैदा कर दी थी और अब उन्होंने सोनाक्षी सिन्हा जहीर इकबाल की शादी पर कुछ ऐसा कह दिया है जिसके चलते फिर वो चर्चा में है। स्वरा ने जहीर सोनाक्षी की इंटरफेथ शादी को लेकर एक नई भविष्यवाणी कर दी है। स्वरा भास्कर ने खुद भी इंटरफेथ मैरिज की है। ऐसे में उनका कहना है कि उन्हें खुद सोशल मीडिया पर ट्रोल्स की कड़वी बातों का सामना करना पड़ता है। स्वरा ने 2023 में फाहद अहमद से शादी की थी जिसके कुछ 3 महीने बाद ही उन्होंने अपनी प्रेगनेंसी का ऐलान कर दिया था जिसके बाद उन्हें खूब ट्रोल किया गया। स्वरा भास्कर ने हाल ही में एक मीडिया हाउस से बात की जहां उन्होंने कहा कि उनका मानना है कि जैसे उन्हें इंटरफेथ मैरिज के बाद ट्रोल्स की कड़वी बातों का सामना करना पड़ा वैसे ही सोनाक्षी सिन्हा को भी करना पड़ सकता है। सोनाक्षी 23 जून को अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड जहीर इकबाल से शादी करने वाली हैं। कहा जा रहा है कि एक्ट्रेस के माता पिता पूनम सिन्हा, शत्रुघ्न सिन्हा और उनके भाई लव सिन्हा उनकी इस फैसले से खुश नहीं हैं। इस बीच स्वरा ने भी सोनाक्षी जहीर की शादी को लेकर नई भविष्यवाणी कर दी है। स्वरा ने इस दौरान बताया कि कैसे अब इंटरफेथ कपल्स के लिए ट्रोलिंग आम बात हो चुकी है। एक्ट्रेस ने इस दौरान कहा, मैंने ये महसूस किया है कि आज के वक्त में भारत के सबसे बड़े मिथकों में से एक लव जिहाद है। जब एक हिंदू लड़की मुस्लिम लड़के से शादी करती है ये सब मुझ पर भी लागू होता है। वैलेंटाइन डे पर तो कुछ शहरों में इंटरफेथ कपल्स को पीटा जा सकता है। सोनाक्षी जहीर के रिश्ते के बारे में पूछे जाने पर स्वरा ने कहा, जब मैंने फाहद से शादी का फैसला किया तो मुझे भी कई विशेषज्ञों ने शादी करने की राय दी थी, लेकिन हम यहाँ दो एडल्ट्स की बात कर रहे हैं। वो अपनी जिंदगी में क्या करते हैं, शादी करते हैं या नहीं, किससे शादी करते हैं, ये पूरी तरह से उन पर निर्भर है। अगर वो एक साथ हैं, शादी कर रहे हैं या फिर निकाह करते हैं या आर्य समाज में शादी कर रहे हैं तो इससे किसी का कोई लेना देना नहीं है। स्वरा ने आगे कहा कि ये सोनाक्षी की जिंदगी है, उसने अपने लिए साथी चुन लिया है, उसके पार्टनर ने उसे चुना है, अब ये पूरी तरह उनके और उनके परिवार वालों के बीच का मामला है। मुझे तो समय को बर्बाद करने वाली बहस लगती है। ये भारत और दक्षिण एशियाई देशों में ज्यादा प्रचलित है जहाँ लोगों को दूसरे के काम में हाथ डालने में मजा आता है। अभी तो रुको और देखो, जब दोनों का बच्चा होगा तो बच्चे के नाम को लेकर एक अलग बहस होगी। करीना सैफ के बच्चों और मेरे बच्चे के साथ हमने ऐसा होते देखा है, ये बहुत ही मूर्खतापूर्ण है। हालांकि ये भी सच है कि ये जल्दी खत्म नहीं होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।